सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे वहाँ अच्छे होंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के नेम फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले राशन कार्ड से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया अपडेट निकल कर आई है, जो कि आज हम 20 सितंबर 2021 का अब ये न्यूज़पेपर कटिंग हम दिखला रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं हेडिंग में लिखा गया है, राशन कार्ड बनवाना अब आसान, बदलवाने में भी नहीं होगी दिक्कत, जनसेवा केंद्र में सेवा उपलब्ध कराएगी सरकार। तो वीडियो में बने रहे एंड तक, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम लिए कर देते हैं वीडियो का स्टार्ट। और यहाँ से देख सकते हैं जो नई दिल्ली प्रेड के सरकार के द्वारा जो जानकारी देगा, हम आपको यहाँ से बारी बारी पढ़कर सुनाते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने की दिशा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना महामारी के दौरान राशन कार्ड ने देश के बड़े तबके को राहत पाने के मदद की है। हालांकि कई बार नए राशन कार्ड बनवाने और जानकारी अपडेट करवाने के मामले में सामने आने वाली मुश्किलों ने लोगों को ध्यान खींचा है। अब सरकार ने मुश्किलों को दूर करने की दिशा में विशेष पहल की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के साथ मिलकर, ठीक है फ्रेंड, यहाँ से मिलकर। उसके बाद उपभोक्ता मामले में मंत्रालय ने देश भर के जनसेवा केंद्र यानी CSC जो भी वेबसाइट है उस पर राशन कार्ड से संबंधित कई सेवाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की है। यानी CSC जो वेबसाइट है उस पर अब आपको राशन कार्ड भी बनने रहा, नया हो या स्टेटस चेक करना या जो भी राशन कार्ड से रिलेटेड जानकारी होगी उस पर CSC वेबसाइट भी, जो कि हम डिस्प्ले पर देख रहे हैं, इस वाले साइट पर आपको जानकारी मिल जाएगी। नई पहल के तहत नए कार्ड के लिए आवेदन देने और जानकारी अपडेट कराने समेत राशन कार्ड से जुड़ी तमाम सेवाएं CSE पर उपलब्ध होगी। यानी CSE एक वेबसाइट है उस पर आपको ये उपलब्ध होगी। देश भर में 23.64 करोड़ राशन कार्ड धारकों को लाभ होगा। CSE ई गवर्नेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश त्यागी ने कहा कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ इसे साझेदारी के बाद गाँव में हमारे CS संचालक BLE ऐसे लोग तक पहुंचेगी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। BLE राशन कार्ड के बनवाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक उनकी पहुंच निश्चित करने में मदद करेगी। यानी अब जो भी राशन कार्ड जिनके पास नहीं है उनके पास भी अब राशन, यानी BLE ऐसे लोगों के पास राशन पहुँचाए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। यहाँ देख सकते हैं और भी बहुत बढ़िया जानकारी दिया गया, आपको ये पढ़कर सुनाते हैं। CSE की ऑनलाइन सेवाओं को उपलब्धता बढ़ेगी। CSE से मिलने वाली ऑनलाइन सेवाओं को उपलब्धता के दायरे भी बढ़ाया जाएगा। इन सेवाओं में PM कल्याण योजना, शिक्षा एवं कौशल विकास पाठ्यक्रम, वित्तीय सेवाएं, हेल्थ केयर एवं यूटिलिटी पेमेंट जैसी सेवाएं शामिल हैं। इन ऑनलाइन सर्विसेज के विभिन्न फेयर प्राइस साफ एवं उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके लिए CSE फेयर प्राइस साफ के डीलरों के प्रशिक्षण करेगा और इन्हें सेवाओं के अनुरूप व्यवस्था दी जाएगी। अब क्या क्या इस साइट से आपको उपलब्ध मिल सकेगी, क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, ऐसे कॉर्नर में दिया गया है, हम आपको यहाँ से पढ़कर सुनाते हैं, ठीक है फ्रेंड। CSE पर मिलेगी ये सुविधाएं, नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना, जानकारी अपडेट कराना, राशन कार्ड और आधार जोड़ना, राशन कार्ड और डुप्लीकेट प्रिंट लेना, राशन कार्ड के उपलब्ध की जानकारी पाना, शिकायत रजिस्टर कराने, ये सारी जानकारी इस साइट पे जो भी नया साइट ऐड होगा, ये राशन कार्ड जो बनेगा उस पर आपको ये सारी सुविधा मिल सकेगी। तो फ्रेंड वीडियो को कमेंट करके बताइए कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दे। चलिए वीडियो कर देते हैं समाप्त।